हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी शाम होने आई है। आज मैंने सुबह से कुछ भी ब्लॉग बनाया नहीं क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ रही थी। 6-7 दिन से पूजा चल रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि मैं कितनी थक गई हूँ। ऐसे तो मेरे घर में नहीं हो रहा था, बिंदु के घर में हो रहा था, लेकिन थकावट मुझे लग रही थी। ऐसा लग रहा था ना आते जाते मैं थक जा रही हूँ। आते जाते मतलब रेडी हो जाओ, साड़ी पहनो, ये करो करो, आते जाते थकावट लग जा रही है। हाँ, तुम लोग ही पहले बोलो, गाड़ियाँ है ना, मुझे बात नहीं करने देंगी। एक तो माइक नहीं है, ऊपर से लोग चिल्ला रही हैं। और आज पता नहीं क्या हुआ है ना, आज मैंने मेरा एक वीडियो है जो मैंने काफ़ी दिन पहले अपलोड किया था। ज़्यादा तो लोग देखते नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा हुआ उसको, तो अच्छा चल रहा था। हाँ, मेरे घर में मेरे बच्चे लोग भी देख लेते हैं, तो अच्छा चल रहा था वो। लेकिन आज देखा मैंने तो उस पर सिर्फ एक जन ने बोला कि वो वीडियो में सिर्फ आवाज़ आ रही, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने अभी देखा तो सचमुच में सिर्फ आवाज़ आ रही, कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसमें। पता नहीं क्या वीडियो को हो गया है। अपलोडेड वीडियो है, काफ़ी लोगों ने देखा भी है उसको, अब ऐसा हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। मैंने बच्चों को भी पूछा, मैं और किसको पूछूंगी। उन लोगों को मैंने पूछा तो लोगों ने बोला देखते हैं, हम लोग कुछ करते हैं, पर समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ, शायद आप लोगों के पास कुछ सलूशन होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि बहुत अजीब सा लग रहा, डर सा लग रहा। और मेरे व्यूज़ जो होते हैं ना YT स्टूडियो पे, वहाँ पर मेरे व्यूज़ भी घटाए हुए दिख रहे हैं, वॉच टाइम भी घटाया हुआ दिख रहा है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को पूछती हूँ। तो आप लोगों को अगर कोई मेरी वीडियो देखेगा तो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद में ऐसा कुछ हो जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। और पहली बार ऐसा हुआ तो मुझे और ज़्यादा डर लग रहा है। और अभी मैं काम कर रही हूँ, मुझे बनाना है एक बॉक्स प्लेटेड गाउन और टॉप, तो उसकी कटिंग करने जा रही थी। कटिंग करने के मैंने कपड़ा उठा के रखा हुआ है, तो कटिंग करूँगी, फटाफट सिलाई करूँगी, तो शायद वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो मैंने सोचा पहले ही वीडियो बना के आप लोगों को बता देती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने ये कपड़ा बिछा के रखा है, कट करना है मुझे अभी। और यहाँ पर रखा हुआ है इसका टॉप का कपड़ा, ये मैंने दिखाया है आप लोगों को एक वीडियो में। और ये है इसका लाइनिंग का कपड़ा, अभी ये बना के ही आप लोगों को दिखाऊँगी। और अगर किसी को सीखना रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, तो मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगी आप लोगों को, पूरा वीडियो में पूरा बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मेरे प्रॉब्लम का सलूशन प्लीज़, जिसको भी पता होगा प्लीज़ मुझे बताना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। सोच सोच के ना बहुत दिमाग में घूम रहा है सब कुछ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मेरा चैनल बंद होने वाला है, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तबीयत खराब है, उसकी वजह से बोल रही हूँ ना, तो दम लग रहा है बहुत। तो अभी चलती हूँ फटाफट, पहले इसको बना लेती हूँ, बाद में आप लोगों से मिलूंगी। जा रही है, क्या कर रही है लवली? काम कर रही है। मेरी बच्ची काम कर रही है, बर्तन साफ किया है उसने, अभी पानी बॉटल भर के रख रही है। सुबह सुबह कॉलेज भी जाती है और रात को शाम को आके काम भी करती है घर का, डॉली भी करती है, लवली भी करती है। मेरे दोनों बच्चों ने थोड़ा मेरा काम कम करवा दिया है, इसलिए मैं ब्लॉग्स बना पाती हूँ, नहीं तो नहीं बना पाती है ना। वो मेरे वीडियो का देखना क्या हुआ है, क्यों मतलब सिर्फ आवाज़ आ रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। डिलीट नहीं करना है, क्यों ऐसा हो रहा है मुझे वो जानना है। क्या मतलब, जब अपलोड कर रही रहोगी तो उतना नेट नहीं रहा रहेगा? नहीं बेटू, वो वीडियो काफी लोगों ने देखा भी है। क्या होता है, अभी ऐसे दिखाया, अभी ऐसा हुआ है, हो रहा है। अच्छा, चलो ठीक है, फिर भी मैंने इन लोगों को भी बोला है अगर कुछ हुआ रहेगा तो देखेंगे, कोई अगर जानता रहेगा उसके बारे में तो कमेंट जरूर करेगा। तो चलते हैं यहाँ पर, पहले अपना काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी मेरा टॉप और लहंगा बनके रेडी हो चुका है, मेरा नहीं कस्टमर का। और इसको बनाने में मुझे पूरा एक दिन लग गया है, जिसकी वजह से मैंने और कुछ नहीं किया है, बस ऐसी भूतनी की जैसे बैठी हूँ। बाल तक नहीं झाड़ा था मैंने, इसलिए लवली ने मेरा हेयर स्टाइल किया है।
ये एक तरफ खुला रख दिया है और एक तरफ मेरा बाल बांध दिया है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि वो मेरा दूसरा तरफ का भी बांध सके, तो मैंने उसको बांधने नहीं दिया। तो उसने एक तरफ स्टाइल किया है, एक तरफ छोड़ दिया है। फनी लग रहा है ना, मैं खुद ही इतनी फनी लग रही हूँ, कभी कभी बहुत फनी हो जाती हूँ मैं। और अभी नींद बहुत आ रही है, काम तो हो गया है पर उसमें हुक वगैरह लगाना बाकी है, वो तो कल लगा लूँगी। आयुष्मान बैठा हुआ है, फ़ोन में गेम देख रहा है, और कल छुट्टी रहेगा, कल टेंशन नहीं है, कल परसों छुट्टी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि लहंगा कैसे बन के रेडी हुआ है। आप लोग, अगर मैंने इसका कटिंग और स्टिचिंग नहीं दिखाया है आप लोगों को, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने इसको कैसे कटिंग किया है, कैसे स्टिचिंग किया है, तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। तो आप लोग अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को कटिंग और स्टिचिंग सब दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल रेडी लहंगा दिखाती हूँ। तो ये लहंगा है, ये मैंने अभी स्टिच किया है, इसको बोलते हैं बॉक्स प्लेट लहंगा, बॉक्स प्लेटेड लहंगा। तो ये बन के ऐसे रेडी हुआ है, अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी कस्टमर देख के क्या बोलेगी पता नहीं। ये इसके ऊपर मैंने ये लेस ऊपर भी लगा दिया है और यहाँ नीचे भी लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है लहंगा, एकदम मस्त। आप लोगों को कैसा लग रहा है? सॉरी, आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब दिखाती हूँ आप लोगों को ब्लाउज। मैं खड़े खुद तो बना नहीं सकती थी, इसलिए मैंने आयुष्मान को बोला बनाने के लिए, तो आयुष्मान ने पता नहीं कैसे बनाया, अभी पहले देखती हूँ कैसा बना। और ये है इसका ब्लाउज, टॉप भी बोल सकते हैं। पीछे इसका ये डिज़ाइन है, उधर बोट नेक है, कोल्ड स्लीव्स है। अभी रेडी, पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है, इसमें मैंने पिन लगा के रखा है, अब इसको हुक लगाना बाकी है, और हुक लगाना बाकी है, हैमिंग करना बाकी है। तो मैंने इसको ऐसे ही रखा है, आगे से ऐसा है, प्रिंसेस कट है। सोच रही थोड़ा सा लेस बचा हुआ है तो आगे वाले नेक पे भी लगा दूँ, क्या करेंगे उसको रख के, तो लगा देती हूँ, कल सुबह लगा दूँगी। अब तो बहुत रात हो गई, नींद भी आ रही है, सोने का मन कर रहा है, अभी जाती पहले सो जाती हूँ। वाह आयुष्मान वाह, क्या बात है। तो अभी मेरा काम हो गया है, मेरा टास्क कंप्लीट हुआ है, तो अब मैं जाती हूँ सो जाती हूँ। पहले ये बाल खोल लेती हूँ, बहुत इरिटेटिंग लग रहा है मुझे, अच्छा नहीं लग रहा है ठीक से, अब दोनों हाथ से खोलना पड़ेगा। तो कैमरा पहले मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा, उसके बाद में खुलेगा। आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्यार प्यारे कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज मैं एकदम भूत नहीं लग रही ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।